आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर देवेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने इस हेल्थ एंड फिटनेस से जुड़े चैनल में, जिसमें आपको स्वास्थ्य से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा पिंपल्स की समस्या के बारे में, कि पिंपल्स किसी व्यक्ति को अगर हो गए हैं या बार बार हो जाते हैं, ठीक होने के बाद भी रिकरेंट आ रहे हैं दोबारा, तो उसको कैसे ठीक रखना है, कैसे आप उसका घर पे भी उपचार कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ नुस्खे और कुछ होम रेमेडीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग यह जानिए कि पिंपल्स की प्रॉब्लम डेवलप क्यों होती है। पिंपल्स में क्या होता है, छोटे छोटे दाने और फुंसी टाइप यहाँ पे चेहरे पे, किसी को माथे पे, किसी को यहाँ पे, किसी को बियर्ड के अंदर, यहाँ पे मेल्स में और फीमेल्स में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और अक्सर हॉर्मोनल चेंजेस जब होते हैं तो उसके कारण ज़्यादा निकलते हैं। जैसे फीमेल्स होती है या मेल्स के अंदर 16 साल से लेके 25 साल तक के जो युवा होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा यह प्रॉब्लम पाई जाती है। तो उसके कुछ और भी कारण होते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन आ जाना, मतलब अगर आप धूप में सनलाइट में ज़्यादा देर काम किया या आप बाहर रहे तो उसके कारण क्या होता है, हमारी स्किन से पसीना रिलीज होता है और वहीं पसीने में ही एटमोसफेयर में धूल मिट्टी डस्ट जो चीज़ें उड़ रही होती है वो हमारी स्किन के कॉन्टैक्ट में आ जाती है। तो जो हमारे रोम छिद्र होते हैं छोटे छोटे, उनके अंदर से बाल निकले हुए थे हल्के हल्के, तो जो हमें वैसे तो दिखाई नहीं देते, जैसे यहाँ की स्किन है कोई हेयर्स नहीं है लेकिन यहाँ पे भी पोर्स है, तो इनमें क्या होता है धूल मिट्टी डस्ट के पार्टिकल्स जमना शुरू हो जाते हैं, रुक जाते हैं, तो फिर वहाँ पर जिस व्यक्ति की सेंसिटिव स्किन होती है वहाँ पर इन्फेक्शन डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन डेवलप होने के बाद यहाँ पे सूजन सी आ जाएगी और फुंसी सी निकल के आ जाती है और उसी के अंदर फिर धीरे धीरे बैक्टीरिया ग्रो करते रहते हैं, थोड़ा बहुत पेन भी होता है या किसी को डिस्चार्ज भी होता है उनके अंदर से, और किसी किसी में ड्राई भी रहते हैं, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सभी के अंदर उसके अलग अलग तरीके के सिम्टम्स आते हैं। तो और दूसरा ये कारण भी रहता है उसमें, सेंसिटिव स्किन तो है, किसी को कोई चीज़ लगाने से भी एलर्जी हो जाती है कई बार फीमेल्स में, जैसे कोई क्रीम लगाई या कोई लोशन पेस्ट इस तरीके का, तो उनसे भी उनको इस तरीके की रेडनेस या फिर पिंपल्स होना डेवलप हो जाते हैं। और कुछ इस तरीके की मेडिसिन्स भी होती है, कोई गर्म चीज़ें अगर हम खाने में खा रहे हैं तो उसकी वजह से भी डेवलप हो जाते हैं। और डाइट रिलेटेड इशू भी रहता है, जैसे कई लोग हमने भी ऑब्जर्व किया है जब हम पेशेंट्स को देखते हैं, अगर कोई एक्ने का पेशेंट है, मतलब पिंपल्स का की प्रॉब्लम का पेशेंट है, अगर वो जिस दिन भी एक दिन पहले उसने समोसा ब्रेड पकौड़ा फास्ट फूड गरम मसाले की चीज़ें या इस तरीके मतलब कोई भी है उन्होंने फास्ट फूड की चीज़ें खाई, इस तरीके की चटपटा तला भुना, तो उनको क्या होता है अगले ही दिन इंस्टेंट 24 घंटे के अंदर ही 2-3 फुंसियाँ एक्स्ट्रा निकल आती है। ये चीज़ हमने खूब ऑब्जर्व की है पेशेंट्स के अंदर, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिसकी ऑयली स्किन होती है उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है पिंपल्स वाली प्रॉब्लम होने के लिए, उनको अक्सर ज़्यादा अफेक्ट करती है ये चीज़ें, तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। जिनकी ऑयली स्किन है वो फास्ट फूड और ऑयली चीज़ों को तले भुने को थोड़ा सा अवॉइड करें। साथ ही अब जिनको हो चुके हैं पिंपल्स और निशान भी उनके चेहरे पे बचे हुए हैं तो उनको रिमूव करने के लिए मैं आपको ये नुस्खे बता रहा हूँ, तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी दालचीनी लेनी है, दालचीनी ले लीजिए और उसको मिक्सी में पीस लीजिए, ये तो आपके घर में मिल जाएगी, जैसे चावल वगैरह बनाते हैं तो मसाले के तौर पे उपयोग किया जाता है या उनमें भी डालते हैं सब्जी वगैरह में भी, तो पाउडर अगर आपके पास है तो पाउडर भी उपयोग में ले सकते हैं, अगर पाउडर नहीं है तो पंसारी की दुकान से आप ला सकते हैं मार्केट से, तो उसको पीस ले और पीसने के बाद उसका पाउडर बना ले पतला पतला, और उसमें फिर पानी ऐड करना है या आप गुलाब जल भी ऐड कर सकते हैं, और पानी इतना ऐड करना है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मिलाएं उसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ना करें मिलाएं, और पेस्ट ऐसा बनाना है आपको जो ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो, मतलब इजीली आपकी स्किन पे रुक सके और थोड़ी सी उसकी बिल्कुल पतली लेयर बन सके, उसको लगाएं, और जहाँ जहाँ पर भी आपको पिंपल्स हैं वहाँ पर उसको लगाएं, या पूरे चेहरे पर भी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका, और उसको लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें।
उसके बाद धीरे धीरे स्किन में खिंचाव भी महसूस होगा और वो सूख जाएगा। सूखने के बाद उसको आप नॉर्मल पानी से वॉश कर सकते हैं, या उसके बाद वॉश करने के बाद गुलाब जल भी आप लगा सकते हैं चेहरे पे। तो ये फ़ायदा क्या करेगा दोस्तों, जो दालचीनी होती है वो सूजन को कम करने का काम करेगी, यहाँ पे पिंपल्स में जो इन्फ्लामेशन हो जाती है लोकल एरिया में उसको कम करेगी, और साथ ही यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाएगी और जो इन्फेक्शन आया हुआ उसको भी कम करने में मदद करेगी, और जो पस बना हुआ होता है उसको भी वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, तो ये सारे वो काम करेगी। और दूसरा नुस्खा ये है दोस्तों, संतरे के छिलके लीजिए आप।